E dare, e dare. Te la farei, no? Rone. Rone, cara. E dare da che roba è, dare da che roba. Mi dai io te la devo. Sei secondo. Ma dai. Ah. Dai. हां अरे अंश को गिर गई लिखा रे ए भाई नहीं आई का खा ले हो लाइट कहां है हां हमारे पिताजी आ चुके हैं मजदूरी करके कहां गए कहां गए लाबो ठीका तो गलानी दारू वाला सही मजाक ना सही में सही है सही में लिखेला दारू एजेंट रे ये देख तू तो क्या दिखाते हैं देख है देखा था ही तो फाइनली हमारी पार्टी के लिए आग जलवा इसका जलवा लग चुका है बस अब भौरी लगाएंगे मस्त सो हेलो जी क्या हालचाल स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में तो आज हमारे इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और सो के तो काफ़ी पहले उठ गए थे लेकिन अभी सुबह के 9 बजे और कुछ प्लानिंग चल रही है हमारी और बस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने तो खाने में हमारे पास क्या बना है हमें नहीं पता देखते हैं खाने में क्या है और मम्मी आज का भी नहीं है तो हमारे पास खाने में है दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा खाना खाए हुए ना बरसों गया था अपने से बना के खाने में और घर आके भाई इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत कि कितनी खुशी हो रही है और ये खाना नसीब नहीं होता है वहाँ पे और आज हम खा रहे हैं माई तू बतावा कैसा लगा था घर आके मतलब हाँ मालिक था है? और कुछ बतावा पता ना बहुत बहुत खुशी आया था खाना बना के हमारे बदे जो हमारे पिताजी वो काम पे चले गए हैं तो उनसे तो हम मिला नहीं पाए लेकिन आपको जल्दी मिलाते हैं शाम में आज तो खाना खाते हैं और तैयार होते हैं और चलते हैं सिर्फ चलते हैं फिर मारते हैं फाइनली खाना खा के मजा आ गया घर का चावल दाल सब्जी रोटी और हमें पता नहीं था कि हमारे घर में बकरी भी है और हमारी मम्मी इधर सरवा हाई तो को मुड़िया की इधर चाप रहे हैं सब का बे सारे अरे 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 गोड़ अरे सारे अरे अरे अब भाग रहे हैं सब खाइले से ज्यादा कुछ साले छीट दे तुम कुल बे अबे यार कुल तो वो खमच के गल हाँ वही में खाए कि वही में गोड़ डाले गया शाबाश जिया शेर यही हमारे घर में फर्स्ट क्लास की सब्जी सरपुतिया नेनुआ हाई लौकी के पेड़ है ना भाई अबे फरल भी है लौकी हाई साला तो अरे देख हाँ फरल है लौकी अभी हम तैयार हो गए बाजार जाने के लिए और हमारे साथ जो जाने वाले हमारे एक दोस्त मित्र यार लंगोटिया यार कह सकते हैं हमारे मिस्टर बोलो कह सकते हैं ये जो भी बोले वो मान लो बस और हम अपनी मम्मी से बता रहे थे कि फ्रिज में मिठाई उठाई ला के रखे करो तो बाबू कहते हैं मिठाई के खाला यार इनको पता है लड़का आ रहा है तो मिठाई उठाई रखना चाहिए लेकिन नहीं चलो भाई बड़े लोग तो फाइनली अब चलते हैं आपसे मिलते हैं सीधे गाड़ी पे तो आज हम चल रहे हैं अपनी धन्नो अरे अपने शेरू से हाँ बोलो कहो प्यार से हमारे पिताजी इसको शेरू बुलाते हैं और काफ़ी दिनों बाद अपने हम शेरू को चलाने जा रहे हैं आज इसको उड़ाएंगे पूरी चलाएंगे नहीं आज उड़ाएंगे मस्त मैं कहो बैठो लूँगी ना पे अभी हाँ मैं कहियो ऊपर बैठे नहीं कही बाऊ कहीं लेके जा रहे हैं तब पे नहीं तो फिर तो कमीक्षा मैं यहीं से कर ले लो लोग चला वो कितना दूर का सफर यहाँ से 70-80 किलोमीटर का सफर गाइस भाई साहब बहुत दिनों बाद चला के ना गजब मजा आ रहा है
भाई साहब गजब मजा ही है और कुछ अलग है इसको चलाने का। स्कूटी चलाते चलाते तो बोर हो गए थे और ना मजा ही कुछ और है, तो चलते हैं देखते हैं। बोलू भैया कहाँ है पालेगुड़ी भाई? अरे हमारे घरवा वाला करते ना हो तो हम कहा के नहीं बतावा। अब घरवा तक कहेंगे भैया हमारे बिया कदा, अब कैसे कहीं घरवा अपने वो लोग को समझ में गया ना हम कहा बताएंगे। तो ये तो दिक्कत है ना कमाई। सो भाई फाइनली अभी हम निकल चुके हैं घर से और भाई साहब कसम से इस पे बैठने का जो मजा है ना वो अलग ही है बिल्कुल एकदम। और हमारे बजरंगबली को हमारे क्या मतलब बजरंगबली को उजाड़ दिए थे यार दोबारा से बना रहे होलू कसम से घरे ही लेकर ना भाई मजे कुछ और सर्वा एकदम भाई जो नजारा है ना भाई अरे साला बजड़ा हो गल यो सर्वा भाग यो लखनऊ से घर घर से लखनऊ भाग भाग के हमेशा। लेकिन भाई कसम से यार घरे का मजे कुछ और झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी सर्वा अमन के गांव का जो रोड है ये 4-5 साल से ही सही है ये पता नहीं कब बनी यार अब बना वाला कब बनी है। देखा भैया लोग जाते ना अल्लाह के दूध के पूरा ये लोग ना गिरा देना टकराओ कोई का भैया देखा तो दादा कहाँ से आओ तुम बजा रहे थे घूम के मतलब आज नदी बढ़ गई ले यार देख पूरा एकदम। अरे दरिया तो ना बढ़ लो दरिया बढ़ गई लिखा कर यार गंगा जी की सजिया वो पढ़ रहा हूँ आई। फाइनली अभी हम आ पहुंचे थे मार्केट में अपने और यहाँ पे बोले भैया थे वो ट्रेडिंग पता नहीं का करवा रहे हैं यार हमको पता नहीं चलता है साला। भैया क्या काम हो थे हैं तो भैया थ्रेडिंग करने में लगे पड़े इनका यार। अच्छा तो ठीक है वो मार वो जिनका बरवा बना दिया इनका मार के तो बस भैया लगल हुआ बस यहाँ से बाल वाल बनवाते हैं हम नहीं बनवाएंगे ही बनवाएंगे बनवा के फिर देखते हैं क्या सीन है कहाँ चलना है बताते हैं फिर। वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब दुझे रब की कोई खोज नहीं जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़े लानी आनी तेरी याद हर दफा कि मैं मार्केट तो गए ही थे तो भोलू भैया को कहीं जाना था और मुझे मार्केट में काम था तो मैंने उन्हें बाइक दे दी और वो घर चले गए और मैं पुनीत हाँ पंकज भैया के रूम पे जाके आराम से सो गया था और कुछ काम कर रहा था और सोने के बाद अभी तो फिर जैसे ही मैं उठा वहाँ से फिर चाचा पंकज भैया के पापा जो थे वो घर आ रहे थे तो मैंने कहा कि हम भी घर चलेंगे और उन्होंने बगल में आके छोड़ दिया और मैं यहाँ तक आ गया और घर के बगल में छोड़ दिया था हमें। तो जो पंकज भैया के पापा थे वो हमें गांव के बगल में ही मतलब मेरा जहाँ पे घर है बगल में ही छोड़ दिया था मुझे तो वहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी 200-300 मीटर की दूरी है वहाँ से मैं पैदल ही खेत का ही रोड जो मिट्टी वाले रोड है ना ये पीछे देख रहे हैं रोड पूरा भाई मजे ही कुछ और है अलग ही लेवल का मजा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा है ना मिट्टी वाले रोड पे ऐसे मतलब अगल बगल खेत है मिट्टी का रोड है आप 2 किलोमीटर पे पैदल चल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब रास्ता ख़त्म हो गया और बातें करते हुए निकलने का तो मज़ा मतलब नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। तो चलते हैं घर सीधा क्या बताओ काहे कट नहीं झगड़ा ना अरे तो झगड़ा ना मारे कि ना देखा ये देखा दाते मत कटिया लो तो के दाते काटे ले तू स्कूल है कहाँ जाली रे पगली हाँ इनका ना फटा ना ले क्या
है तो मार के लगता पगली होगी हाँ हाँ अरे अंशी कमा गिर गई लिखा रहे ए भाई नहीं आई का खा ले हो अरे हाँ का खा ले भाई इसका कत्ती कत्ती काका अब हमारे तो अब हमारी जो बारी थी वो थी शाम के खाने की। तो हम मम्मी से पूछ रहे थे अगर हम आए तो हमारी पसंद का ही खाना बनेगा। तो जानते हैं कि शहर में लिट्टी चोखा हम जो यूपी बिहार वाले होते हैं भाई जो भी हम यूपी बिहार वाले तो हमें लिट्टी चोखा बहुत पसंद होता है। और भैया वहाँ तो खाने को मिलता ही नहीं है, खरीद के खाएंगे साला इतना सा मिलेगा मजा नहीं आएगा। तो आज हमारे घर बनने जा रहा है लिट्टी और चोखा, ऊपर से भैया दाल। तो चलते हैं उसी की प्रिपरेशन करते हैं, उसी की मतलब जुगाड़ करते हैं। तो अभी जा रहे हैं गोईठा लाने, जिसको हम लोग वहाँ उपला बोलते हैं, उपला। तो जा रहे हैं, हमारे घर पे गोईठा विठा रखा है, जा रहे हैं लाते हैं और फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से उसकी मेकिंग होती है। अब चल जाने दे जाने दे, जो भी तो बनाने आता नहीं है, और जब ताने पे ताने देंगे सब कुछ करेंगे और बनाएंगे हमारी मम्मी। देखो सावन हमारे पिताजी आ चुके हैं मजदूरी करके। कहां गए कागल लाओ गवादे में दवा, क्यों सोचे बादल सही निकला दारू। आज जो दाल बनेगी हमारी मम्मी, चना उरद और मसूरी तीनों में रह के बनाएंगी। मजा आज इनमें खाए हुए आज तक। और का हो का ले पानी पे मजा आता है का है भैया कसम से आता ना चिल्ड मारे था ना पूरा सर कैसे पी ले लेवा उतना इतना मतलब बहुत इतना ठंडा। अभी हमारी दाल चढ़ी पड़ी है यहाँ पे दाल, और फ्राई करने की जुगाड़ चल रहा है फ्राई करने का उसका। और हम यहाँ पे लहसुन मिर्चा अदरक टमाटर कूच रहे हैं मस्त। और हमारी मम्मी आटा लेके आई है, और इधर जलेगा आग। हमारा दाल तड़का मार रहे हैं, इसमें हमने लहसुन मिर्चा अदरक हमारी मम्मी ने डाल दिया है फर्स्ट क्लास का। प्याज वाज टमाटर वमाटर काट लिया हमने, अब इसको करेंगे फ्राई। अभी हमारी दाल रेडी हो गई है और इसे हम खौलाएंगे थोड़ा। और इधर हमारी मम्मी ने आटा भी सान लिया है और सारा हमने आइटम भी निकाल लिया है, और बस यहाँ पे आग लगाना है। हमारी मम्मी आग लगा रही है इसमें, ये देखिए आग लगा रही है। और आग लगाएंगे, भौरी लगाएंगे मस्त। हमारी पार्टी के लिए आग जलवा, इसका जलवा लग चुका है, बस अब भौरी लगाएंगे मस्त। तो फाइनली अब हम हमारा आग जल चुका है, हम जा रहे हैं भंटा में छेद कर रहे हैं भंटा डालने आग में। अभी हमारा भौरी भौरी कर रहे हैं, भंटा सेक रहे हैं अभी हम भंटा देख रहे हैं। हमारी मम्मी भौरी लगा रही है मस्त, भौरी गढ़ रही है अभी मतलब बना रही है, अब इसको आग पे सेका जाएगा मस्त। ये बाटी हाई मस्त गोल गोल हाथ से मम्मी बना रही है हमारी, हमारे भाई हाथ से बनाओ थे। कौन चीज से घोड़े से बनाई हाथ से ना बनी मस्त। ये
हमको बना हमके ना बनवाई ना आवेला इसे देखा जिसे बना दी ना तू हमके ना बनावे ना आवेला इसे मस्त एकदम पता है एक बाटी बनती है सत्तू वाली इसलिए नहीं बना रहे हैं हाँ दाल से ना मजा नहीं आता खाने में सत्तू पूरा दाल में घोरा जाता है मजा नहीं आता साला पूरा हमारा ऑलमोस्ट बैगन जो है रेडी हो गया है मतलब पक गया है पूरा और टमाटर पका रहे हैं और फिर बैगन टमाटर हो गया और हम आलू पकाने जा रहे हैं अब आग में आलू आलू डाल दिए इसी में अब इसको मस्त पकेगा अभी थोड़ी देर हमारी भौरी हो चुकी है और हमारी मम्मी जल्दी जल्दी कह रही है कि रखो इस पे बेटा रखो भौरी रखो भौरी हमारी सारी छपर गई है इस पे मधुमक्खी की तरह मस्त अब इसको अब हम भौरी को पलटने वाले हैं मस्त जल्दी जल्दी नहीं तो भौरी सुनूक जाएगी हमारी अरे सारे अब बस जितना जल्दी जल्दी पलटेंगे उतना सही है जलेगा नहीं भौरी छोड़ देंगे तो हमारी भौरी हो चुकी है और हमारी मम्मी जल्दी जल्दी कह रही है कि रखो इस पे बेटा रखो भौरी रखो और हम भौरी रख रहे हैं तू पलटा तो भैया भौरी हमारी सारी छपर गई है इस पे मधुमक्खी की तरह मस्त अब इसको तो भैया हमारा ऑलमोस्ट भौरी आधा डन हो गया है आलू अभी अंदर पड़ा हुआ है आलू निकालेंगे चोखा बनाएंगे और मस्त चबाएंगे और हमारी मम्मी मस्त लाइट वाइट लेके बना रही है एकदम और हमारे बाबू मस्त घूम रहे हैं एकदम ताव से बाबू दारू वारू पी घूमत हुआ है हाँ कहो दारू रूपी घूमत हुआ हाँ मर्दवा वो बना जाइ तो आवत है ना दारू अच्छा यूपी में दारू बंद ना बिहार में बंद है बोल सकता हूँ कोई दिक्कत ना आ जाला जोन बोले ला मुंह तो न वो मन भग पकाए लगा कौन सी माई कौन सी जोन तू बोले ला तो न मन भग पकाए लगा जोन तू बोले ला कुल भग पकाए लगे ला मैं माई भौरिया जरत है एगो भौरी जर गई देखे के चक्कर में ना ही कि कहाँ जरल है मस्त ये जन रहिए देख तू तो क्या दिखाते हैं देख हाय देखा था ही हाय देख देख भौरी चोखा देख देखा था ही चोखा देख बैगन हाय देख भौरी लगत है और बताओ अब देख ले ललची आओ था चल ठीक है रखो ओ यार मतलब ऐसे क्या बेइज्जती करेला यार एक तो हम तो के देखावत है कि तब से ललचिया तो के हाँ एक 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 खुनसा कटलस कटलस फोन कटलस ये भाई आज मोटे जल्दी से आजो जल्दी आजो तो के दिखाओ के भरी चुका क्या हो के जल्दी आजो आजो देखा थे देख माई बनाओ थे देख 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 देखा था ही बतिया ले माई बतिया ले माई बोल बोल बताओ 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 का रे बहनी सुनतवा के आवत रे खाए के हुन के आवत खाए ले आज ले हेलो हाय दलिया देखिए माय आई आई अरे नहीं हम ना देख के आवत खाए ये हम मोटका की आओ के अरे कने सही ना ना चला था सही आवाज ना जाता सुता लाइटा
फाइनली हमारी बहन यहाँ पे है नहीं अभी, तो हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं अभी। और उसको ना उसको भौरी चोखा दाल बहुत पसंद है, लेकिन वो है नहीं तो उसको चिढ़ा रहे थे हम लोग। अभी मम्मी हमारी बतिया रही है उससे, कोई नहीं आएगी तो खाएगी, नहीं तो जाड़ा में तो हम लोग वहाँ खूब बनाएंगे दिल्ली में भौरी चोखा मस्त। भाई जब तक हमारी भौरी हो रही है तब तक आलू आधा पड़ा हुआ है, तब तक हम बैगन छिल रहे हैं, मतलब हम नहीं हमारी मम्मी बैगन छिल रही है और चोखा बनाने की तैयारी चल रही है। बस दाल उधर हो गया है, भौरी ऑलमोस्ट आधा डन है, आलू बस निकालना है, चोखा मला जा रहा है मस्त, और फिर तोड़ी तोड़ा चलेगा बस। उनके घरे क्या हाल हो, का नाम है तुम्हारा बतावा है, का बताओ तो अच्छा ना खा थी खोआ मस्त। मिंटू भाई बैठा लो, भौरी मन का डन हो गए, मार माई मस्त चोखा बनाओ थे का हो गल है देखा तो आ बतावा ना। हाँ ना रोकली बात थी ये, वहाँ घर में वाला डाटो थे सारे भौरिया हो ही चल ले भौरिया हो गल ना माई जाड़े के गए बस थोड़ा भौरिया दर्द दे ना इधर इधर रो रे रो इधर देख के रो आए इधर देख के रो मिलाई हो तरह से वाह ऐसे कौन रोता है भाई अब इन्हें तो अर्पिताई होता है रोवा कहो अदना पढ़िया से विदाई होता तो के रोग चाहिए होता वा है पागली रोग रे ना 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 भैया मत रो कहो रोवा रोवा तेंसा तब बस हो गल रो ले लो हैं जाती अब घरे अब विदाई हो गल ना है का हो गल गौरा गौरा चल गल के गौरा 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 ये क्यों दौरा को गौरा के अपन गया ये दुनिया जो भाई नहीं गौरा इसे बोल रही का इधर आओ जाता गौरा मां के गा के आवे नहीं गौरा बनी है हम ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्या करें भाई, क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारी मम्मी कैसे, हमारी मतलब हमारी माई कैसे खड़ा है, चुपचाप शांत स्माइल माई स्माइल पागल माई स्माइल हसा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बस ठीक है। हाँ तो ये लोग का काम है ही है बस ठीक है।